साथियों नमस्कार। एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ रहे हैं अपन और एंडोक्राइन ग्लैंड के संदर्भ में अपन हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, दो ग्लैंड को पढ़ चुके हैं। आज एक वीडियो में दो ग्लैंड साथ में लेते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। दोनों ही ग्लैंड गले में होती हैं। माथे की सिर की एक बच्ची है पीनियल। पीनियल को, पैनक्रियाज को और थाइमस को, तीनों छोटा छोटा मीटर है तो तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो आज वाले वीडियो में साथ में लेते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को। पहले पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड को। देखो कुछ बातें, कहाँ है ये? गले में। और भी बोले तो लिरिंग्स के पास, और बोले तो गुलाबी रंग की, और बोले तो एच आकृति की, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, और बोले तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। केवल ग्लैंड की बात आए, लार्जेस्ट तो लिवर आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आए तो आपके कौन सा आएगा? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की, तो क्या है? एंडोडर्मल। पिट्यूटरी के संदर्भ में एक्टोडर्मल था, यहाँ पर आपको एंडोडर्मल याद रखना है। लार्जेस्ट हो गए ना, तो लार्जेस्ट के बाद में साइज भी लिखो। साइज क्या लिख सकते हो? 5 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ और 3 सेंटीमीटर के आसपास विड्थ है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई लेंथ की और विड्थ की। अब देखो, अगर डायग्राम बनाए एक, तो ये देखो एक अपर बनाते हैं यहाँ पर, ये आपके सी आकार के छल्ले, कुछ याद आ रहा होगी स्थिति, क्या है ये? ट्रेकिया। ये वाला एरिया लिरिंक्स, लिरिंक्स, ठीक है, कंठ यहाँ पर हो गए। और ये वाली जो स्थिति है ना, यहाँ वाला ये पोर्शन है यहाँ पर, इसको इस प्रकार से इसे डिनोट कर दो, ये है, दोनों पालियाँ हैं, ये है आपके थायराइड ग्लैंड, दोनों पालियाँ, एक ये एक ये। यहाँ पर देखो चार गोलाकार स्ट्रक्चर नजर आ जाएंगी, यही है आपके पैरा थायराइड ग्लैंड। तो दो पालियों में हो गई, ये भी लिख दो, दो पालियों में, और दोनों पालियां जिस अस्थि के द्वारा यहां पर जुड़ा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं इस्तेमस, है ना? दो पालियां, दो पालियों, दो दो पालियों में व्यवस्थित, और दोनों पालियां किससे जुड़ी हैं? इस्तेमस नामक पट्टी से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये वाला भाग है इस्तेमस, ये दोनों पालियां होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि पैर जो थायराइड ग्रंथि है वो दो पालियों में व्यवस्थित है, और पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में चार है, दो जोड़ी हैं, एक दो तीन और चार हो गई, पर वो पैराथायराइड पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ रहे हैं थायराइड को। आगे देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें गोल गोल छोटे छोटे मतलब संरचनाएं होती हैं, गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, पुट्टिकाएं होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उनके अंदर कोई लिक्विड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। देखो यह ग्लैंड ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर वेजाइकल्स, इस तरह से इसमें ऐसे ग्लोब्यूलर वेजाइकल्स होते हैं, ये वाला
वेजिकल्स की बनी होती है। इनमें येलो कोमा जेली के समान ट्रांसपेरेंट कोलोइडल पदार्थ भरा रहता है। किनमें? इन ग्लैंड के अंदर ही छोटी छोटी वेजिकल्स पाई जाती है, इनके अंदर क्या भरा रहता है, इस प्रकार का मटेरियल भरा रहता है। इस मटेरियल को आयोडो थायरो ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। अब ये जो मटेरियल भरा हुआ है इन गोलियों के रूप में, इसके बाद में जो बीच का स्थान बच गया ये, जहां पर ये वेजिकल्स नहीं है, उन स्थान की बात करो, इन वेजिकल्स के बीच में बना भाग स्ट्रोमा कहलाता है, जिसमें सी सेल्स पाई जाती हैं। देखो, दो चीजों की बात करेंगे अपन, दो हार्मोन मुख्य होंगे, एक थायरोक्सिन हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। दो हार्मोनों का संबंध थायराइड ग्लैंड से है। कौन से? थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन है वो इन वेजिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन इन वेजिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। आपको मैं ऐसे बताऊं तो मान लो ये वो वेजिकल्स है, इनके अंदर प्रेजेंट क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट है थायरोक्सिन हार्मोन। जबकि इनका जो बीच का स्थान बच गया, जो येलो जो आपके इस कलर से नजर आ रहा, आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, ये जो स्थान बच गया, इस स्थान के अंदर सी सेल्स पाई जाती हैं, और इन सी सेल में क्या भरा रहता है, इनमें एक अलग हार्मोन भरा रहता है कैल्सिटोनिन। सी सेल के अंदर प्रेजेंट जो हार्मोन है उसका कार्य है पैराथायराइड ग्लैंड के विपरीत काम करना। जो पैराथायराइड काम करेगी, पैराथायराइड का काम है शरीर के अंदर आपके कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, ज्यादा बढ़ जाएगी दिक्कत आएगी, तो ये क्या करेगा, सी सेल शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को उत्सर्जित करेगा। तो ऐसा करके इसका विपरीत काम है किसका, सी सेल का। इसको आगे अपन लेंगे, आप समझ लो यहां पर स्थिति ऐसी है। अभी जो मैंने नाम बताया आपको, क्या क्या पाया जाता है इन जो ग्लोबुल वेजिकल सेल में, क्या पाया जाता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आयोडो थायरो ग्लोबुलिन। इस आयोडो थायरो ग्लोबुलिन का मतलब क्या हुआ, इस आयोडो थायरो ग्लोबुलिन का मीनिंग ये है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थायरोक्सिन, जिसमें क्या होती है आयोडीन। तीन मेन हार्मोन की बात करेंगे अपन, एक नंबर पर होगा आपके T3, दो नंबर पर आपके T4, और तीन नंबर पर आपके आ जाएगा कैल्सिटोनिन। इनकी बात करेंगे किससे संबंधित, थायराइड ग्लैंड से संबंधित। एक एक को समझो, देखो क्या होगा, थायरोक्सिन प्रेजेंट है इनमें, आयोडीन जुड़ा उस थायरोक्सिन के साथ में, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट है, इन ग्लोबुल के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि थायरोक्सिन प्रेजेंट है प्लस आयोडीन प्रेजेंट है। इसके साथ जब आयोडीन का मॉलिक्यूल जुड़ा तो ये बन गया मोनो आयोडो थायरोक्सिन। एक जुड़ा ना आयोडीन, क्या बन गया, मोनो आयोडो थायरोक्सिन। क्या बन गया, मोनो आयोडो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के साथ में आयोडीन जुड़ा, मोनो आयोडो थायरोक्सिन, या इसको थायरोनिन भी बोलते हैं, थायरोनिन, ठीक है। अब देखो इसको मैं बोल रहा हूं एम मोनो आयोडो थायरोनिन,
ये वाली बात हो गई। अब इस मोनो आयोडोथायरोनिन के साथ में फिर एक आयोडीन जुड़ा तो क्या बन गया आप बताओ, मोनो की जगह क्या हो जाएगा, डाई, क्या बोलेंगे, डाई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। इस अब जो बनी स्थिति डायो आयोडो थायरोनिन, इसके साथ फिर एक आयोडीन जुड़ा, क्या स्थिति आ गई, ट्राई आयोडो थायरोनिन, इसे क्या बोलेंगे, T3 बोला जाता है, ये वाला, ठीक है। फिर TIT मतलब ट्राई आयोडो थायरोनिन, फिर इसके साथ क्या जुड़ा, आयोडीन, ये क्या बन गया, ये बन गया टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई, इसे क्या बोला गया, T4 बोला गया। अब देखो T3 की मात्रा जो है वो करीबन, इसकी मात्रा जो है वो करीबन 10% होती है, जबकि T4 की मात्रा होती है 70-90% के आसपास। T3 की मात्रा 10%, T4 की मात्रा 70-90%, दो हार्मोन हो गए ना, T3 और T4 की बात कर रहे हैं। T4 को बोलते हैं वास्तविक थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, वास्तविक थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है इसको। और T3+T4 दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, थायरॉइड हार्मोन, ठीक है, ये दोनों बात आ गई, ये दोनों बात आ गई, इसके इतने हो गया। T3 जो है मात्रा किसकी ज्यादा है, T4 की, कितना है, 70-90% के आसपास है T4, परंतु सक्रिय जो है ना T3 T4 की तुलना में अधिक सक्रिय है, ठीक है। ये वाली इतनी बातें याद रखनी है, मतलब दो मुख्य हार्मोन हो गए आपके थायराइड से संबंधित, थायरोक्सिन से संबंधित T3 और T4, इनका निर्माण इस प्रकार से होता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उन ग्लोब्यूल्स के अंदर स्थिति ये होती है, इसको ये बोला जाता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि थायरोक्सिन प्लस आयोडीन प्रेजेंट है, ये दोनों मिल जाएंगे तो बनाएंगे MIT के साथ आयोडीन जुड़ेगा बनेगा DIT के साथ आयोडीन जुड़ेगा, मतलब ट्राई आयोडो थायोनिन का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी मात्रा 10% है परंतु ज्यादा सक्रिय है। उसके बाद ये T3 किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके T4 के अंदर, और T4 में कन्वर्ट हो गया तो इसको मतलब, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ T1, ये वाला, ये है T1, ये है T2 और ये है क्या, T3, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, पर इसकी मात्रा कितनी है, 10%, और T4 जो सबसे लास्ट वाला है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है 90%। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, थायराइड हार्मोन बोला जाता है, थायराइड हार्मोन इसमें इसको बोल सकते हैं। ये अपने कार्य स्थल पर पहुंचकर, दोनों अपने स्थान जहां काम करते हैं वहां पहुंचकर कई की बार बदल भी जाते हैं, T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एक आयोडीन मॉलिक्यूल निकल गया तो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ गया तो क्या हो गया, ये T4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वाली बात आ गई। उसके साथ साथ में बताया कि सी सेल्स पाई जाती हैं, सी सेल्स कहां पाई जाती हैं, ये जो सेल्स है ना, ये जो वेजाइकल्स है उनके बीच बीच का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, वहां पर सी सेल्स पाई जाती हैं, और इन सी सेल के अंदर जो पाया जाता है हार्मोन, या इनको सी सेल भी इसीलिए बोलते हैं, कैल्सिटोनिन सेल्स, काम क्या है इनका, यहां पर इनका काम यही सलट लेते हैं फिर बाकी देखेंगे। यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाना तथा बोन्स का विघटन को कम करना, या सीधा सीधा बोले तो पैराथायराइड ग्लैंड के
पैराथार्मोन है ना, पैराथर्मल, या ऐसा समझ लो पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन के विपरीत कार्य करना। ठीक है, ये आगे किसकी बात है, आपके सी सेल्स हैं। तो तीन हार्मोन आ गए, T3, T4 और आपके कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन का संबंध आपके थायराइड ग्लैंड से है। आगे देखो, तीनों हार्मोन आ गए, तीनों हार्मोन के साथ में अब इस ग्लैंड के कार्य देखो। पहला कार्य इन हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या बोलेंगे, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन तथा फैट के अपघटन को बढ़ाकर एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, इसके अपघटन को बढ़ाते हैं। दो नंबर बात क्या लिख सकते हो, BMR, बेसिक मोटा मेटाबॉलिक रेट, है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कंट्रोल करते हैं। तीन नंबर बात, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, को कंट्रोल कर लो, को कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन, अपनी बॉडी में क्या काम करते हैं, ये वाली बात आ गई। अगला लिखो, क्या लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वृद्धि हार्मोन के साथ है मिलकर, जो GH हार्मोन है ना उसके साथ मिलकर, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर शरीर की ग्रोथ में सहायक है। पांचवा, लैंगिक तथा यौन लक्षण का विकास करते हैं, इतनी बात आ गई। पांच नंबर, छह नंबर क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉग के लार्वा को एडल्ट में चेंज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, क्या हो अगर फ्रॉग के लार्वा को थायरोक्सिन हार्मोन ना मिले, है ना, मुख्य बात इस किसकी चल रही है, थायरोक्सिन की चल रही है यहां पर, थायरोक्सिन, अगर फ्रॉग के लार्वा को थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिले तो जिंदगी भर वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको लार्वा से एडल्ट में बढ़ने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, तभी वो क्या करेगा, एडल्ट में बदल जाएगा। और एड्रिनल ग्रंथि के दो हार्मोन कौन सा, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन की मैकेनिज्म को बढ़ाता है। अगर पूछा जाए, मतलब ये वृद्धि के साथ भी सहायक है, प्लस जो फीमेल है उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें भी इसका कोई रोल है, अगर किसी फीमेल के अंदर अचानक से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आएगी नहीं, या समय से पूर्व अगर किसी महिला में टाइम से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाती है, इसका मतलब उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी हो गई, उसके कारण से ये सब हो रहा है, ये वाली बात है। देखो, दो शब्द आपने सुने होंगे, मैं याद आ गया तो बता दूं यहां पर, एक शब्द है आपके नियोटेनी
और एक शब्द है पीडोजेनेसिस, है ना। नियोटेनी और पीडोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि देखो, नियोटेनी का मतलब है अगर किसी कारण से जो फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं दिया जाए उसको, तो वो एडल्ट बन तो जाएगा, मतलब एडल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, बिहेव एडल्ट के जैसा कर लेगा लेकिन एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लार्वा ही एडल्ट की तरह काम करने लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नियोटेनिक आ जाएगा। लार्वा जो है वो ही एडल्ट की तरह काम कर रहा है, वयस्क में नहीं बदल रहा, लार्वा एडल्ट में बदल नहीं रहा, उसको बोलेंगे नियोटेनी स्थिति है, ठीक है। एक शब्द है आपके नेक्टूरस नामक एक जीव है, जैसे यहां पर बात हो रही है ना टेडपोल, या लार्वा जो फ्रॉग का लार्वा का नाम क्या है, टेडपोल, तो टेडपोल टेडपोल ही रह जाएगा। तो टेडपोल वैसे क्या है कि क्या लार्वा ही रह गया, काम किसके जैसे कर रहा है, एडल्ट के जैसे, लेकिन है लार्वा, तो इसके वाली स्थिति को क्या बोलेंगे, नियोटेनी, वो कभी भी एडल्ट बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से अगर नेक्टूरस जो है वो जीव है, उसके अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन या आयोडीन, थायरोक्सिन प्लस आयोडीन दोनों बातें आ गई यहाँ पर, है ना, थायरोक्सिन प्लस आयोडीन की कमी आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, वो जो वही रह गया और अलैंगिक जनन से अपना जीवन बढ़ाएगा, अलैंगिक जनन के माध्यम से अपना जीवन बढ़ाएगा, इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है, पीडोजेनेसिस। ये यहाँ पर लोड लेने की जरूरत नहीं, जब अपन कोर डेटा पढ़ेंगे ना तब उसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे आपके न्यूटेनी और पीडोजेनेसिस, तो यहाँ पर आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई खास बात नहीं है, याद आ गई तो मैंने आपको अचानक से एक बात बता दी। मतलब इसके हाइपोसीक्रेशन से अगर थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, आयोडीन प्लस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो क्या हो सकता है, पहली बात करो बच्चों में, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको रोग को बोला जाता है क्या, क्रिटिनिज्म। बच्चे अल्प विकसित, मंद बुद्धि होंगे, इन्हें क्रेटिन्स कहा जाता है। और ये रोग है ना, उसका नाम है क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता, मतलब एकदम जड़ी है वो, दिमाग ही काम नहीं करता उनका। ऐसे कब हुआ, जब बच्चों में, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिक रेट नहीं रहेगी, जननांग प्रॉपर उससे डेवलप नहीं होंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चे ज़्यादा विकसित नहीं होंगे, और उसको का कारण कब रहा, जब हाइपोसीक्रेशन हुआ, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, किसमें, बच्चों में। दूसरा किसमें, एडल्ट में। अगर वयस्क के अंदर इसकी कमी है तो जो बीमारी होगी उसका नाम है मिक्सीडेमा। एडल्ट व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग का नाम है मिक्सीडेमा, बच्चों में होने वाले रोग का नाम है क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब जो एडल्ट जो होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, वही बीएमआर कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, यही तो करता है ये, इसी के साथ में शरीर का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, सर्दी लगती है कम हो गई, इसका मतलब सर्दी लगने लग जाएगी, जो लैंगिक क्षमताएं हैं की कमी हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, महिलाओं में समय से पूर्व मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी, ठीक है। और एक रोग होता है गोइटर डिजीज। अगर आयोडीन की कमी चल रही है एडल्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा, गोइटर डिजीज हो जाएगी, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं।
इस रोग के अंदर क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड का फूल कर बड़ा हो जाना। ये कब होगा? अगर आयोडीन की कमी है, मतलब इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी है, उस परिस्थिति के अंदर ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है और बड़ों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। कब? जब आपके इस हार्मोन की या थायरोक्सिन या आयोडीन हार्मोन की कमी है। ये सब आपको याद रखना है। इतनी बातें आ गई, अब कमी की बात कर ली। एक और याद रखो चीज़ें, एक नाम और रह गया, क्या बोलेंगे उसको, हाँ एक नाम हाशिमोटो रोग। अब थायराइड ग्लैंड के मान लो संबंधित कोई रोग हो गया, कोई कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि उसकी दवाई दिलवाई जाएगी, मतलब थायरोक्सिन के स्त्राव को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन ही जब रोग या एंटीजन बन जाती है तो इनके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती हैं और ये एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को डैमेज करती हैं, जिसे थायराइड की आत्महत्या या हाशिमोटो डिजीज कहा जाता है। मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाती है। जब रोग के लिए दो दवाई दी जाती है, वही रोग कारक बन जाती है, एंटीजन बन जाती है। ये एक चीज और आ गई आपके, हाशिमोटो रोग है वो, ये भी कमी से ही है, कमी हुआ ना तो उसकी कमी के स्त्राव को बढ़ाने के लिए दवाएं दी जाती है, तब वो स्थिति हो जाती है हाशिमोटो रोग। ये हर जगह नहीं होता, हर बार नहीं होता, पर कई कई बार किसी के अंदर एंटीजन के रूप में काम करने लग जाती है, रिएक्शन टाइप इसमें हो जाती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो जो रोग हो सकता है हाइपर सीक्रेशन से, तीन डिजीज नाम याद रखनी है, एक एक्सोथैलेमिक डिजीज, दो नंबर याद रखना है ग्रेविया ग्रेविस डिजीज, और तीन नंबर पर याद रखना है प्लम्बर डिजीज, है ना। इसके अंदर क्या होगा, एक्सोथैलेमिक के अंदर जब आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, नेत्र गोलक बाहर की तरफ। जिस तरह से थायराइड ग्लैंड फुली थी गोइटर डिजीज भी थे ना, तो इस तरह से बढ़ गया, यहाँ पर भी नेत्र गोलक निकल कर बाहर आ जाएंगे ये वाली। इसके अंदर जो ग्रेविस वाली स्थिति है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें प्लम्बर के अंदर जगह जगह गांठे बन जाएंगी थायराइड ग्लैंड पे, और इसके अंदर फूल कर ग्लैंड बढ़ जाएगी। बस इसे कोई संबंधित कोई बात नहीं है, आप ही याद रखना हाइपर सीक्रेशन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, एक्सोथैलेमिक है, ग्रेविस है और आपके प्लम्बर है, ये तीन बात हो गई। अब जो आपके ये ग्लैंड है इसका कंट्रोल किस पर है, किससे है, मतलब थायराइड ग्लैंड काम कब करेगी, आपको अगर याद आ रहा है तो देखो, हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, TSH RH किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगी, TSH किसको देगी, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या निकालेगी, थायरोक्सिन हार्मोन।
जो आगे जाकर T3 व T4 में कन्वर्ट होंगे आयोडीन मिलने पर, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया चलती है। अब अगर देखो बॉडी के अंदर इस हार्मोन की कमी है, तो यहां पर ब्रेन के पास मैसेज दिया जाएगा इस हार्मोन के जरिए कि यहां पर कमी है, कमी है, तो इस चीज को बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, इसको बोला गया पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इधर की साइड में मात्रा बढ़ गई, बढ़ गई, तो इसको बोला जाता है वापस कि मात्रा बढ़ गई, इस चीज को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, मतलब इस पर कंट्रोल ये करके कम कर देगा, और इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। हालांकि बैक फीडबैक दोनों पॉजिटिव ही है कि भाई बढ़ गई तो कम कर दो, और कम हो गई तो ज्यादा हो गई, पर उसको नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के नाम से जाना जा सकता है। इस प्रकार की सिंपल सी चीज भी आप लिख सकते हो। अगली ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं लगभग, उसमें भी भयंकर स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि रूम अभी बंद है चारों तरफ से, क्योंकि बाहर की लाइट नहीं आनी चाहिए, जो लाइट है उसी से वीडियो बनता है बढ़िया, और पंखा चला नहीं सकते, कूलर चला नहीं सकते, क्योंकि पंखा कूलर चलाए तो आपकी आवाज़ आएगी तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना, कुछ आवाज़ आती है पंखे की कूलर की, तो बिना पंखे कूलर के और लाइट के अंदर पूरा कमरा बंद करके इस गर्मी में 30 मिनट वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी कोई नहीं, चल रहा है प्रोग्राम। अब इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए बस आप वीडियो देखें फटाफट, और जो कार्य किया जा रहा है उसको थोड़ा सार्थक बनाओ, आप उसका फायदा अधिकतम लो जिससे आपको बेनिफिट मिले। मैं सारगर्भित बातें बता रहा हूँ आपको, मान के चलिए आप, न ज़्यादा मैटर लिखा था न ये कम पड़ेगा। अगर आप विश्वास करोगे चैनल पे तो आपका भलाई होगा, किसी भी हालत में आपका नुकसान नहीं होगा, यकीन मान के चलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भेज दो लोगों को, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। खैर अगली ग्लैंड लेते हैं, पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, स्थिति तो बताई दी थी डायग्राम में कहां पर है, फिर भी अपन लिख देते हैं थायराइड ग्लैंड में धंसी हुई संख्या में, ऐसा लिख सकते हो, टू पेयर, दो जोड़ी। ठीक है, इसके अंदर दो जोड़ी आ गया। इससे स्रावित हार्मोन का नाम है क्या, PTH, पैरा थायराइड हार्मोन। ओरिजन यहां याद रखना एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल क्या इसका ओरिजन है, ये वाली बात आ गई। कार्य संख्या वगैरह लिख दी, कार्य देखो, ये कैल्सीटोनिन जो सेल है ना, कैल्सीटोनिन सेल के हार्मोन के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, इसको कोलिप का हार्मोन भी बोलते हैं, कोलिप ने खोजा था इसको, कोलिप हार्मोन, खोजकर्ता के नाम के आधार पर विपरीत कार्य करती है, सी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन का कार्य। उसमें आपने लिखा था कि सी सेल क्या करती है, कैल्सिटोनिन जो स्रावित होता है वो काम क्या करता है, वो आपके एक्सक्रीशन बढ़ाता है, किसका, कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो, ये उसके विपरीत काम करता है। क्या काम करता है, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो, तो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम है किसका, पीटीएच हार्मोन का, और कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाने का काम है किसका, कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ये दोनों विपरीत कार्य हैं, ये वाली बात हो गई। प्लस दूसरा क्या लिखोगे इसका कार्य, विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायता सहायता, और भी लिख सकते हैं कैल्शियम तथा
फोस के फोस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, कैल्शियम के साथ साथ में फोस्फेट के को भी बढ़ाना। अब देखो यहां से एक बात पता चल रही है, इसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाओ, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाए भाई, अगर किसी में पैराथायराइड ग्लैंड के पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो बताओ, क्या हो, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो, कैल्शियम का तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो तो कैल्शियम का क्या हो जाए, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। मतलब इस हार्मोन का स्त्राव अगर कम हो तो क्या हो जाएगा, बॉडी से कैल्शियम की मात्रा निकलने लग जाएगी। अब कैल्शियम की मात्रा निकलने लग जाएगी, कैल्शियम बॉडी में अपने किसके लिए आवश्यक है, बोन्स वगैरह को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स वगैरह को मजबूत बनाने के लिए, और कैल्शियम की मात्रा निकल रही है ज्यादा, इसका मतलब कैल्शियम की कमी पड़ गई। ऐसी परिस्थिति में जो रोग होगा उस रोग को बोलेंगे हाइपोकैल्शेमिया टिटेनी। का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कैल्शियम का स्तर बॉडी में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पीटीएच हार्मोन की कमी आ रही है। इसी प्रकार से अगर इसकी कमी पक्षियों में रहे, पक्षियों में कमी हो तो क्या होगा, कवच विहीन अंडे होंगे, क्योंकि कवच किसका बना होगा, होता है कवच कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम की यहां पर कमी आ जाएगी तो कमी हो जाएगी। प्लस कैल्शियम की कमी अगर बॉडी में होती है तो ब्रेन की एक्टिविटी भी धीमी हो जाएगी, एक्टिविटी भी धीमी हो जाती है। ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। इसी के साथ अगर मान लो इसकी मात्रा बढ़ जाए, है ना, पीटीएच की मात्रा बढ़ जाए, पीटीएच हार्मोन कोलिफ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, एक तो वो बढ़ा जो इसकी मात्रा अगर बढ़ गई, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब बॉडी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, किसका एब्जॉर्प्शन हो गया, कैल्शियम का, तो ज्यादा बढ़ गई ना मात्रा, ऐसी परिस्थिति के अंदर रोग हो जाएगा जिसको बोल दें ओस्टियोपोरोसिस, अस्थियां छिद्रित हो जाती हैं, अस्थियां छिद्रित, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना ये निकल कर कहां जाता है, रक्त में आ जाता है। कैल्शियम है कहां पर, बोन में, बोन बनी हुई है, और जोर से ज्यादा कैल्शियम हो गया तो बाहर निकलेगा, बाहर निकल कर ब्लड में आ जाएगा तो अस्थियां क्या हो जाएंगी, छिद्रित हो जाएंगी। छिद्रित अस्थियों को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, पीटीएच की मात्रा बढ़ने से। एक अगर कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ गई तो कैल्शियम जाकर वास्तव में रक्त में आकर कहां जाएगा, किडनी में शुद्ध होने जाएगा, तो किडनी में जाएगा तो किडनी के अंदर स्टोन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दूसरा रोग कौन सा हो सकता है, किडनी स्टोन हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना विटामिन जो पीटीएच हार्मोन है किस विटामिन के साथ मिलकर कार्य करता है, तो यहां पर आपको याद रखना है विटामिन डी, और कोई खास बात नहीं है इनके अंदर, ये सरल सी बातें हैं। आपको थायराइड ग्लैंड याद रखनी है, आपको पैराथायराइड ग्लैंड याद रखनी है, हार्मोन यहाँ पर हो गए टोटल चार हो गए, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 और आपके कैल्सिटोनिन, और पैराथायराइड ग्लैंड से आपके पीटीएच हार्मोन। इनकी कमी से क्या रोग होता है ना, इसकी आपके मिक्सिडेमा मैंने कहाँ रोग बताया, है ना, क्रिटिनिज्म आपको कहाँ बताया, ये आपको याद रखना है। और उसी के बाद टिटेनी रोग कहाँ बताया, किसकी मात्रा बढ़ गई, किसकी मात्रा कम होने से क्या रोग हो सकते हैं, ये आपको याद रखनी है। बड़ा सरल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, लिख लेना, लिखने के बाद तुरंत ही पढ़ लिया करो, एक बार वीडियो के साथ साथ लिख लिया करो, और लिखने के बाद जैसे पूरा वीडियो जाए ना उसी के अंदर 2 मिनट के अंदर पढ़ लिया करो, और उस समय नहीं पढ़ो तो मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आए कि अब आपको वीडियो देखना है उससे पहले एक बार पहले वाला क्या करना, एक बार रीडिंग मार लिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।